अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर फोर्थ एरे की एक्सरसाइज के वाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। आज की बेटा एक्सरसाइज के हमारे तीन कंटेंट्स हैं, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो वन बाय वन इन तीनों को हमने करना है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है एमसीक्यूज पे। बेटा जी, हर स्टेटमेंट के चार पॉसिबल आंसर है और जो सबसे बेस्ट वन होगा उसको हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट नंबर वन है, देर आर डैश टाइप्स ऑफ एरेज, के एरेज की डैश टाइप्स इकसाम होती हैं। नंबर वन वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर बी टू, ऑप्शन नंबर सी थ्री, ऑप्शन नंबर डी फोर। तो ऑप्शन नंबर बी टू सही आंसर है। द स्टेटमेंट एक्स 30 विल रिजर्व डैश मेमोरी लोकेशन, कि जो स्टेटमेंट है एक्स 30 उसने इतनी मेमोरी लोकेशंस अक्वायर की हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए 29, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर सी 31 सही आंसर है, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होता है, और मैक्सिमम इंडेक्स जो उसका पहला किसी भी एरे का पहला इंडेक्स ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो से 30 तक हमारे पास 31 मेमोरी लोकेशंस अक्वायर होती हैं। स्टेटमेंट नंबर थ्री, इन टू डायमेंशनल एरे व्हेन डायमेंशन इज नॉट मेंशन्ड द एरे शुड नॉट हैव मोर देन डैश एलिमेंट, कि टू डायमेंशनल एरे के अंदर जब डायमेंशन हमें मेंशन नहीं की जाती तो एरे के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 121। तो ऑप्शन नंबर ए 10 सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम एन एरे, दस जेल में से वो कौन से स्टेटमेंट है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एरे में से सबसे बड़ी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी रीड डाटा, ऑप्शन नंबर सी ऑन एरर गो टू, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर डी नन सही आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। और स्टेटमेंट नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सबस्क्रिप्ट, कि दस जेल में से कौन सा यानी सही सबस्क्रिप्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नम 10, ऑप्शन नंबर बी ए 2, ऑप्शन नंबर सी बी 4, या ऑप्शन नंबर डी ए माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर डी ए माइनस 2 सही आंसर है, क्योंकि जब भी हम इंडेक्स नंबर को लिखते हैं तो हम मैक्सिमम इंडेक्स नंबर लिखते हैं, और जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स में नहीं आते। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एलिमेंट ऑफ द एरे इज़ मेंशन्ड बाय इट्स, के जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेंशन करते हैं उनके, ऑप्शन नंबर ए सबस्क्रिप्ट से, ऑप्शन नंबर बी एरे से, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट से, या ऑप्शन नंबर डी नेम ऑफ एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए सबस्क्रिप्ट सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर सेवन है, डायमेंशन स्टेटमेंट यूज इज़ द कीवर्ड, कि जो डायमेंशन स्टेटमेंट है वो कीवर्ड को इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर ए डीएमएस, ऑप्शन नंबर बी डीएस, ऑप्शन नंबर सी डीआईएम, ऑप्शन नंबर डी डीएम। तो ऑप्शन नंबर सी डीआईएम सही आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डायमेंशन इज, के नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो नंबर होते हैं डायमेंशन के वो कितने हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 225, ऑप्शन नंबर सी 32767, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर बी 225 सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर नाइन है, द डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल पी 3.2 स्पेसिफाइज द डाटा एलिमेंट प्रेजेंट इन, कि डबल सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है P32, ये किस तरह के डाटा एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए कॉलम्स 3 एंड रोज 2, के तीन कॉलम्स हैं और दो रोज हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कॉलम 3 एंड कॉलम 2, के तीन ही कॉलम्स हैं और दो ही कॉलम हैं। ऑप्शन नंबर सी है कॉलम्स 2 एंड रोज 3, के दो कॉलम्स हैं और तीन रोज हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन, के इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 कॉलम्स एंड 3 रोज सही आंसर है। द स्टेटमेंट डिम सी 30 इंटू 50 वुड बी रिजर्व, कि जो स्टेटमेंट डिम में साथ ये दिए हुए कितने मेमोरी लोकेशंस को अक्वायर करेंगे। तो नंबर वन 80 लोकेशंस, नंबर टू 1500 लोकेशन, स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
1800 लोकेशन, ऑप्शन नंबर डी 150 लोकेशन, तो ऑप्शन नंबर बी 1500 लोकेशन सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, टू डिमेंशनल एरे इज आल्सो नोन एज डैश, के टू डिमेंशनल एरे को डैश भी कहते हैं और वो है टेबल। स्टेटमेंट नंबर टू है हमारे पास, रीअरेंजिंग द लिस्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, के एरे की लिस्ट को दोबारा से अरेंज करना कहलाता है। सही इसका आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा जी सॉर्टिंग, के सॉर्टिंग का अमल कहलाता है, यानी कि जब भी हम एरे को अरेंज करेंगे तो इस अमल को हम नाम देंगे सॉर्टिंग का। द डिम स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इफ़ द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इज लेस देन डैश लोकेशन, कि जो डिम लोकेशन होगी वो ऑप्शनल, यानी कि उसको हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते अगर मेमोरी ऑफ लोकेशन डैश से कम हो। तो अगर मेमोरी ऑफ लोकेशन 11 से कम हो तो हम डिम स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर भी लें तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर नहीं भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट्स हमारे पास 11 से ज़्यादा है तो हमें डिम स्टेटमेंट को लाजमी इस्तेमाल करना होगा। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश वेरिएबल्स, के जो एरे है वो डैश वेरिएबल्स का मजमुआ होता है, तो डैश के अंदर आएगा सबस्क्रिप्ट। स्टेटमेंट नंबर फाइव है, इन टू डायमेंशनल एरे द सबस्क्रिप्ट्स आर सेपरेटेड बाय डैश, कि दो डायमेंशनल एरे के अंदर जो सबस्क्रिप्ट होते हैं अगर एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट है तो उनको हम डैश से अलग अलग करते हैं, तो वो है कॉमा। स्टेटमेंट नंबर सिक्स है, द मिनिमम वैल्यू फॉर अ सब्सक्रिप्ट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी डैश, कि जो कम से कम वैल्यू है जो किसी भी सब्सक्रिप्ट की होती है हमेशा वो होती है डैश यानी के ज़ीरो। जी टू कॉमा टू इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश डायमेंशनल एरे, कि जो जी हमें टू कॉमा टू एग्जाम्पल है किस एरे की, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा टू डायमेंशनल एरे की ये एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट नंबर एट है हमारे पास, अ स्ट्रिंग एरे इज डिक्लेयर बाय यूजिंग इट्स नेम प्रोसीड बाय डैश साइन, कि जो स्ट्रिंग एरे होती है वो उसको डिक्लेयर किया जाता है उसके नाम को इस्तेमाल करते हुए, और इसके ऊपर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना तो उसके लिए हम डैश सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हमारे पास डॉलर सिंबल को हम इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर जो प्रोसीडिंग होती है उसको उसके ऊपर काम करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टिड वेरिएबल्स विद सेम वैल्यूएबल नेम इज़, के सब्सक्रिप्टिड वेरिएबल का मजमुआ जिनको एक ही नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं एरे का। द वैल्यू गिवन इन द पैरेंथेसिस इन एन एरे इज कॉल्ड, के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी जाती है एरे के अंदर उनको हम कहते हैं डैश, तो इसका सही आंसर है सब्सक्रिप्ट, कि उनको हम नाम देते हैं सब्सक्रिप्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर वन है जी, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल नेम्स, तो वेरिएबल नेम्स एक ही होते हैं तो इसकी हमारे पास गलत हो गया, तो इसका इसको हम एफ यानी कि फॉल्स कह देंगे। स्टेटमेंट नंबर टू है, एन एरे इज़ अ सेट ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स, के जो एरे होती है वो अनलाइक वेरिएबल यानी कि जो एक दूसरे से मिलते ना हो तो उन वेरिएबल्स का मजमुआ होता है, तो जो ये भी गलत है, जो एरे होती है वो एक जैसे वेरिएबल्स का मजमुआ होता है। स्टेटमेंट नंबर थ्री है, आइटम्स इन लिस्ट आर रिपीटेडली बाय अ सिंगल वेरिएबल नेम एज एरे, कि जो आइटम किसी भी एक लिस्ट में होते हैं उनको हम जाहिर करते हैं सिंगल नाम के साथ, उसको हम एरे का नाम देते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर फोर, इन प्रोग्रामिंग लिस्ट एंड टेबल्स आर कॉल्ड एरे, के जो लिस्ट और टेबल्स होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर उनको हम एरे का नाम देते हैं, तो ये सही है। स्टेटमेंट नंबर फाइव, 12 मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व्ड फॉर द स्टेटमेंट डिम 4-3, के जो 12 मेमोरी स्पेसेस होंगी रिजर्व रखी जाएंगे स्टेटमेंट डिम 4-3 के लिए, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर सिक्स है, डिम इज़ रिजर्व्ड की वर्ड, कि डिम हमारे पास रिजर्व वर्ड है, तो ये ट्रू है। वन डायमेंशनल एरे इज़ नॉन एज टेबल, के वन डायमेंशनल एरे को हम टेबल कहते हैं, तो ये गलत है, वन डायमेंशनल एरे को हम लीनियर एरे का नाम देते हैं, ठीक हो गया जी। वंस एन एरे इज़ डायमेंशन कैन नॉट बी डायमेंशन, कि एक दफ़ा अगर हमने किसी भी एरे को डायमेंशन कर दिया तो उसको दोबारा हम उसको डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते, तो ये गलत है। द बिगेस्ट नंबर दैट बेसिक ऑटोमेटिकली असाइंस टू सब्सक्रिप्ट इज 100, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। स्टेटमेंट नंबर लास्ट है जी, टू डायमेंशनल एरे आर नेम्ड
द सेम वे एज वन डायमेंशन एरे, कि टू डायमेंशन एरे का नाम वैसे ही रखा जाता है जैसे कि हम टू वन डायमेंशन एरे का नाम रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थैंक यू बेटा जी। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रابطہ करें। फी अमानिला बेटा जी।